ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर PhDP में आज मेडिसिन में हमने टेम्परेचर और पल्स के बारे में जाना, पशुओं में इसके बारे में पढ़ा। अब आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन, सांस, सीधा सा काम, सांस जानवर जो है वो एक मिनट में कितने लेता है, अलग अलग सबके हैं। और रेस्पिरेशन को तो हम बहुत अच्छी तरह से पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ाए हैं, एनाटॉमी में भी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है। तो अब ये टर्म्स जो हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे, वो ही हैं जो हमने पहले ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी। रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र हमें पता है कि निम्न से मिलके बनता है। नेजल पैसेज है, नाक की ये जो हम क्या बोलते हैं इनको, हवा जो है हम अंदर जा रही है बाहर दे रहे हैं, नेजल पैसेज, नासा मार्ग, उसके बाद में नासा ग्रसनी, नेजो फेरिंग्स, फिर उसके बाद में ट्रेकिया आता है, ब्रोंकिया ही आते हैं, लंग्स आता है, और फिर थोरैक की कैविटी है। तो ये सारा रोल है इनका सब का मिलके, तभी ये श्वसन तंत्र जो है वो चलता है। श्वसन क्रिया श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है जो मस्तिष्क में मेडुला ओब्लंगेटा में स्थित होता है। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छी बात है। ये रेगुलेट कहाँ से होता है ये पता होना चाहिए, मेडुला ओब्लंगेटा से ही। मस्तिष्क का ये पार्ट इसको नियंत्रण करता है। सांस अगर ज़्यादा है, आप देखते हो भागते हो दौड़ते हो, सांस चढ़ जाता है, रुक गए, अब उसको भागते हुए भी ये कंट्रोल कर रहा था और रुक गए हो फिर भी इसको ये कंट्रोल करेगा, उस स्थिति तक लाने में मदद करेगा। यही श्वसन केंद्र डायाफ्राग्म व श्वसन मांसपेशियों को क्रियाशील करता है ताकि श्वसन क्रिया सुचारू रूप से। अब आप सोए हुए होते हो, आपको नहीं पता लेकिन सांस चलती रहती है, सोए हुए हो आप तो भी ये इसका पूरा कंट्रोल रहता है इस पर। पशु की क्लिनिकल जांच के दौरान श्वसन क्रिया कम हो गई, बढ़ गई, किस प्रकार से हो रही है इसे ही देखा जाता है, क्योंकि जीवाणु द्वारा किसी भी ऊपर के नीचे के श्वसन मार्ग पर असर डाल के इस क्रिया को व्यवधान पहुंचाया जाता है एवं श्वसन क्रिया कम व ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसमें हमने देखा है डायग्राम में, ये पूरा तंत्र दिखा रखा है जो आपने बहुत अच्छी तरह से एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से इसको कर रखा है। तो श्वसन तंत्र हमने तो अब पढ़ने हैं जो जांच करने के तरीके हैं। अब जांच कैसे करेंगे हम, जांच करने के तरीके ये इंपॉर्टेंट है हमारे। पसलियों व स्टर्नम की हलचल या मूवमेंट को देख के, जब आप पशु बैठा है तो आप देखेंगे सांस ले रहा है, जैसे हम सांस अंदर ले जाते हैं पसलियां जो बाहर की तरफ आती हैं फुलाव लेती हैं, जैसे सांस छोड़ते हैं भीतर की तरफ होती हैं। तो यहाँ से हम हाथ रख के भी ये नोट कर सकते हैं और इधर से टाइम देख सकते हैं कि एक मिनट में जानवर ने कितनी बार सांस छोड़ा और कितनी बार लिया। फ्लैंक के मूवमेंट से को देख करके, फ्लैंक रीजन इसके मूवमेंट को भी आप देख के इसका पता लगा सकते हैं, ऊपर नीचे होता है क्योंकि डायाफ्राग्म आगे पीछे होता है। जब सांस अंदर भरते हैं तो डायाफ्राग्म बढ़ता है उसका आकार, तो फिर क्या होता है जो है पीछे की तरफ जाता है तो फ्लैंक बाहर आएगी, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राग्म का आकार कम हो गया कैविटी का, तो वो जो है हमारी फ्लैंक है जो वो रीजन जो है उसमें अंदर घुसेगा, अंदर को जाएगा। तो ये वक्ष गुहा पर हाथ रख कर, हाथ रख के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के माध्यम से फेफड़ों आदि की आवाज़ सुन करके, फेफड़ों की आवाज़ भी इससे स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है और उसे ही पता चलता है कि अभी ये सांस बाहर गया अभी अंदर आए। श्वसन क्रिया में चार बातों को देखना चाहिए, श्वसन दर व काल, रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी
ऑफ रेट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर व काल दोनों, समय और उसकी फ्रीक्वेंसी, श्वसन लेने का तरीका, करेक्टर ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे सांस ले रहा है वो, खींच के ले रहा है, आसानी से ले रहा है, आवाज तो नहीं दे कर रहा कोई। उसके बाद में आता है रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, क्या एक जैसी रिदम है उसकी जब वो सांस लेता है। ये रिदम हमने देखा नाड़ी में, पल्स में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में आता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, कितना गहरा डेप्थ कितनी है उसकी सांस की। तो इसमें हम देखते हैं पहला श्वसन दर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर, पशु एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, उसे श्वसन दर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। साधारण श्वसन दर प्रत्येक पशु की अलग अलग होती है, यहां तो पता ही हमें। अब घोड़े में 8 से 12 पर मिनट है, ये गाय में 12 से 16 है, बुफेलो में 22 से 28, बकरी में 18 से 30, भेड़ में 20 से 30, सुअर में 20 से 30, डॉग में 15 से 30 और कैमल में 5 से 12, पक्षी में 15 से 30 और आदमियों में 18 से 20। तो ये अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा श्वसन दर जो है वो भैंस में ही आई, नो भैंस में नहीं, इसमें बकरी में आई 30, पिग में आई 30 और भेड़, सुअर और कुत्ता, ये है 30-30 वाले, चार हैं। बुफेलो में 28 आ गया, गाय में 16 हो गया और घोड़े में 12। तो आप देखिए ऊंट में सबसे कम। तो अब इसमें एक निशान लगा लो, सबसे कम दर जानवरों में किसकी, उसमें चार ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। और सबसे ज्यादा श्वसन दर मार्क करना होता है कौन कौन से जानवरों की है, तो आपको मार्क पता होना चाहिए। वो चारों दे देगा तो सभी, या तीनों दे देगा तो सभी। तो ये एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से। श्वसन दर वातावरण की नमी व ताप के अनुसार घट व बढ़ जाती है, जैसे उच्च ताप व नमी तथा तनाव में श्वसन दर बढ़ जाती है तथा निम्न फिजियोलॉजिकल हालात में श्वसन दर बढ़ती है। कार्य करते समय, कसरत करते समय, पता है हमें एक्साइटमेंट में कोई स्ट्रेस आ जाए, गर्भकाल के अंतिम समय में, और अगर अच्छा वेंटिलेशन नहीं मिले और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, तो आप कभी कभी देखते होंगे रजाई ले लेते हो तो सांस थोड़ा फिर फटाक से उतारते हो, क्योंकि वही आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे थे वही ले रहे, ऑक्सीजन में उसकी कमी होगी, ऑक्सीजन के साथ जो मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी तो आप परेशान होते हो। तो श्वसन दर को निम्न परिभाषित शब्दावली से अलग अलग निम्न नामों से जाना जाता है। यूपनिया साधारण शांतिपूर्ण श्वसन को यूपनिया कहते हैं। हाइपरपनिया और टेकीपनिया, एक बार ब्लॉक करो इसको।